हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप कोई भी इवेंट ट्रैक कर सकते हैं। आप कस्टम कन्वर्जन इवेंट कैसे बनाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप ट्रैक करना चाहते हैं अपने थैंक यू पेज को। ठीक है, आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज फॉर्म फिलअप कराया। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो यूजर है वो थैंक यू पेज पे जा रहा है। ठीक है, अब आप ट्रैक करना चाहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप करके थैंक यू पेज पे गए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कस्टम कन्वर्जन इवेंट ट्रैकिंग। और कैसे हम ये ट्रैक करेंगे सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो कि आने वाले टाइम पे इसके रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पे हम सारा कुछ करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये हमारा एड अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जहां पे मैंने आपको सिखाया हुआ था कि बिजनेस मैनेजर के थ्रू कैसे आपको जो है पिक्सल कोड लगाना है। सेकेंड और वीडियो मैंने बनाया हुआ जिसमें मैंने आपको समझाया हुआ था कि अपना डोमेन वेरिफिकेशन कैसे कराना है। ठीक है, दो चीजें मैंने क्लियर कर दी थी। आज मैं आपको इवेंट पिक्सल के बारे में बताने वाला हूँ। इवेंट कैसे आप जो है कन्वर्जन करेंगे सारा कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे इन तीन लाइंस पे आ जाना है, इवेंट मैनेजर पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा पिक्सल कोड है वो हमारे वेबसाइट पे लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर शुभम डॉट इन में लगा रखा है और एक और की वेबसाइट में लगा हुआ है जो है आपका आयत बुक पब्लिकेशन, इस पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा पिक्सल कोड यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 24 जो है पेज व्यूज हो चुके हैं, हमारा पिक्सल कोड जो है ट्रैक कर रहे हैं। अब रही बात कि मैंने एक पेज बनाया हुआ है, वो पेज डिजाइन नहीं किया हुआ, सिर्फ मैंने एक यूआरएल बनाया हुआ है अभी। ठीक है, थैंक यू पेज का। अगर कोई मेरे मिसेज वाले पेज पे कोई फॉर्म फिलअप करता है तो थैंक यू पेज पे जाता है और मुझे थैंक यू पेज ट्रैक करना है। ठीक है, आप कोई पेज ट्रैक कर सकते हो कस्टम कन्वर्जन के थ्रू। आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। ठीक है, आपको क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पे क्लिक करना है। यहां तक तो आप आ ही जाएंगे इवेंट मैनेजर पे, आप सभी को आता है, मैंने काफी कुछ वीडियोस में आपको सिखा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पिक्सल है वो लिख लेंगे। नेम जो भी नेम देना चाहते हैं मैं करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू पेज मैंने लिखा, डिस्क्रिप्शन देना चाहते दे सकते हैं वरना इसको स्किप कर सकते हैं। कौन सा पिक्सल, यस इस पिक्सल में ऑल वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, ऑल वेबसाइट ट्रैफिक जी। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पे रूल है यूआरएल। ठीक है, हम वो यूआरएल ट्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब ये होता है, सपोज करते हैं मैंने डाला मिस्टर शुभम डॉट इन। ठीक है, अब जहां जहां मिस्टर शुभम डॉट इन होगा सारा वो ले लेगा। कंटेंट मतलब वो एक पर्टिकुलर पार्ट जहां भी आएगा सारा कुछ ट्रैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट वही होगा तभी वो ट्रैक करेगा, वरना ट्रैक नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूआरएल लाके पेश कर दूंगा। चलते हैं हमारे वेबसाइट पे, ये रहा हमारा वेबसाइट और ये मैंने बनाया थैंक यू पेज। इसको मैं कर लूंगा कॉपी इसका लिंक एंड मैं चलूंगा अपने पिक्सल पे। अब यहाँ पे वो यूआरएल में पेश कर दूंगा। ठीक है, सॉरी शायद कॉपी नहीं हुआ, इसको हम फिर से कर लेते हैं कॉपी, कॉपी लिंक एड्रेस एंड यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, ये हमने जो अपना लिंक एड्रेस है वो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं करूंगा क्रिएट पे। अगर आप इसका कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, आप जैसे थैंक यू पेज है, ठीक है, तो थैंक यू पेज हम यहाँ पे कोई चीजें सेल नहीं कर रहे, नहीं कम कुछ कर रहे, हम सिर्फ फॉर्म फिलअप कर रहे, थैंक यू पेज ट्रैक कर रहे हैं, तो हमारी कोई इसकी वैल्यू नहीं होगी। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर आपका कोई वेबिनार है जहाँ पे आप ज्वाइन करवा रहे हैं तो वहां पे एक वैल्यू होगी, उस चीज की वैल्यू इन द सेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा। ठीक है, जिससे आप आरओएस निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इंटर वैल्यू डाल के यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं उसका, ताकि आप आरओएस जो है काउंट कर पाए। हमारा कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपल क्रिएट पे क्लिक करेंगे और दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, आपको और कोई किसी पेज में कोड नहीं डालना है। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको ये ट्रैक करके दिखा भी देता हूँ। डन करते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे पेश करते हैं हमारा थैंक यू पेज। ठीक है, देखते हैं हमारा थैंक यू पेज जो एडवांस इवेंट है वो ट्रैक करता है कि नहीं करता। ठीक, ओके, ये रहा हमारा थैंक यू पेज। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट टाइम लग सकता है इसमें आपको। ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह होने में। फिर से रिफ्रेश करता हूँ मैं इस पे। अभी रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा थैंक यू पेज है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले आपका, 10 मिनट 15 मिनट टाइम ले। अगर टाइम लेने के बाद भी चीजें नहीं बन रही है तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। मैंने नेक्स्ट पार्ट में इसके सॉल्यूशन को भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है,
तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर काम नहीं कर रहा है तो, काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस मेथड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फेसबुक पिक्सल हेल्पर है, यहाँ पे पेज व्यू और एडवांस इवेंट दो चीजें हमारे पास ट्रैक हो रही है। अब मैं यहाँ पे थैंक यू पेज के लिए एड रन कर सकता हूँ, अपने कन्वर्जन इवेंट को इसके लिए ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। परचेज के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, वैसे सेम हम हमारे लिए वहां पे थैंक यू पेज का हमारा सेक्शन आ जाएगा, जिसमें हम लोग जो कन्वर्जन इवेंट हमने बनाए हैं उसके लिए हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको छोटी जानकारी कैसे लगी? अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपसे सेटअप नहीं हो रहा तो कमेंट से मुझे पूछ सकते हैं, और अगर एरर्स आ रहे हैं कुछ तो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।